अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। गुड मॉर्निंग मज़े जी सुबह अवां सा शुरू थी वही आए। उम्मीद है तुम बिल्कुल मज़े में होंद ठीक ठाक होंद। जी मां हर सुबह वांगुर तहां जे सामो हाजिर थी वही आया। उम्मीद है तहां जी भी ई सुबह चटखारेदार एकड़ी सनशाइन वाली सुबह दाई शुरू थी वही हुंदी। पर सबिन का पहरियो जेको मां हे न शो में जेको गैप आयो उन खा पो जे कहानी सरी कंटिन्यू कयो आ त इन लाइ मां वडी थैंकफुल आया। ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां उन्हनि जी जिन जो इन जो पोयों हथु आहे ऐं उहे MD मुबशिर तौकीर ख़ान। मां उन्हनि जी ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां ऐं उन सां गॾु गॾिजी डायरेक्टर IR सैफुद्दीन साहबु उन्हनि जी बि ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां छो जो उन्हनि जो हथु आहे तॾहिं असां हिते बीठा आहियूं अव्हां जे साम्हूं ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम असां कंटिन्यू करे सघिया आहियूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐं मां सभिनि खां पहिरियों इहो चवंदमि त असां क़िस्मत ॾाढी असांखे ज़रूरत हूंदी आहे सुठी क़िस्मत जी असांजी पंहिंजी ज़िंदगी में। ऐं सुठी क़िस्मत असांजी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांजा यूनो असांजी चवंदा नियत साफ़ हूंदी आहे ऐं हर असां सोचींदा आहियूं त असांजी क़िस्मत बि सुठी हुजे छो जो असां नियत जॾहिं सुठी हूंदी आहे त असांजी क़िस्मत सुठी थी वेंदी आहे। सो ईअं ई ज़बरदस्त असांजी सुबुह इन आगाज़ जेको थियो आहे ॾींहं जो मुंहिंजी दुआऊं आहिनि त तव्हांजी बि क़िस्मत सुठी हुजे। मां क़िस्मत एॾो छो थी कयां छो जो अॼु असां सां गॾिजी अहिड़ा कुझु गेस्ट हूंदा जिन खां असां पुछंदासीं क़िस्मत जो हाल जेको ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं उन सां गॾु असां सां कुझु शेरो शाइरी हूंदी ऐं कुझु सिंगर हूंदा जीअं हमेशह असां वटि गेस्ट पैनल में ज़बरदस्त गेस्ट हूंदा आहिनि। सो हे जेको सुबुह जो आगाज़ हूंदो आहे असांजी हिकिड़ी कोशिश हूंदी आहे त हिकिड़ी ज़बरदस्त नाश्ते सां थिए ज़बरदस्त पंहिंजनि सां असां गुज़ारियूं ऐं उनखे जी असां हिकिड़े सुठे तरीक़े सां पोइ सॼे ॾींहं खे खणी हलूं। सो ईअं ई जीअं मां हींअर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थी वई आहियां ऐं कुझु ॾींहं अहिड़ा गुज़रिया जिन में मां अव्हांखे ॾाढो मिस कयो अव्हां मूंखे ॾाढो मिस कयो हूंदो। असांजी हीअ जेका चटपटी सुबुह कचहरी हूंदी आहे न इहा असां ॾाढी मिस कंदा आहियूं छो जो जॾहिं असां सुबुह जो उथी करे पंहिंजे कम ते वेंदा आहियूं वरी असां कॾहिं पंहिंजे घर वारनि सां जेको टाइम गुज़ारियूं जेके हाउस वाइफ आहिनि असांजूं पंहिंजे घर वारनि सां टाइम गुज़ारींदियूं आहिनि। सो इहो जेका असांजी रुटीन शुरू थींदी आहे इहा बिस्मिल्लाह ऐं अलाह जे नाले सां शुरू थींदी आहे ऐं उन खां पोइ असां यादि कंदा आहियूं त असां हे कमनि हाणे इहे सॼा कम असां उन प्लान कंदा आहियूं। सो इहा प्लैनिंग असांखे करणु घुरिजे या न इहो मां ॾाढो सोचींदी आहियां ऐं मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ी शयूं अहिड़ा सुवाल जनम वठंदा आहिनि त छा असांखे पंहिंजे ॾींहं जी प्लैनिंग पंहिंजे फ्यूचर जी प्लैनिंग करणु घुरिजे छा इहो ज़रूरी आहे छा इहो सही आहे छो जो असांजो इहो मञणु आहे असांजो इहो फॉर्म बिलीफ आहे असांखे यकीन आहे अलाह ते त असां जॾहिं अलाह ते यकीन कंदा आहियूं त पोइ असां सभु कम असां उनजे सुपुर्द करे छॾींदा आहियूं ऐं असां मुसलमाननि जो इहो हिकिड़ो फॉर्म बिलीफ आहे। पर असां सुबुह जो उथी करे वरी पंहिंजी हर शइ जे बारे में वरी थी वेंदा आहियूं असां एॾो वरिड हूंदा आहियूं हर शइ जे बारे में पोइ असां सोचींदा आहियूं त असांजो हे कमु न थियो असां वरी अपसेट थी वेंदा आहियूं वरी सोचींदा आहियूं हे कमु थियो त असां ख़ुशि थी वेंदा आहियूं। सो इहा ख़ुशी इहा ग़मी इहा सैडनेस इहा हैप्पीनेस असांखे पंहिंजी थॉट्स जे करे ईंदी आहे। सो इन्हनि थॉट्स जे हुजणु या न हुजणु छा ज़रूरी आहे छा इहे सभु शयूं मिलाए जुलाए करे अगरि असांजी ज़िंदगी ते को इम्पैक्ट विझनि थियूं त इन्हनि शयुनि जे बारे में डिस्कस कंदासीं छो जो ज़िंदगी खे कीअं खणी हलिजे ज़िंदगी जी प्लैनिंग कजे या न कजे छो जो चवंदा आहिनि न कल किसने देखा है। सो उहो जेको कल आहे छा उनजे बारे में असांखे सोचणु घुरिजे छा उनजे बारे में असांखे प्लैनिंग करणु घुरिजे ऐं जीअं मां क़िस्मत बि चयो त भई क़िस्मत जे बारे में असां सोचे कॾहिं कॾहिं पाण खे एतिरो परेशान कंदा आहियूं त सोचींदा आहियूं त अगरि मुंहिंजो हे कमु न थियो त मां हिन ज़िंदगी में ऐं ॿियनि सां कम्पीट न करे सघंदमि छा कम्पिटिशन असांखे अञा परेशान करे थो छा इहे सोचूं असांखे अञा परेशान कनि थियूं। सो इहो असां जेको अलाह जो फॉर्म अलाह ते असांजो फॉर्म बिलीफ आहे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। सो इन फॉर्म बिलीफ खे असां ईअं ई खणी हलंदासीं त मां अच्छा मुंहिंजो पंहिंजो जेको हिकिड़ी थॉट्स हूंदियूं आहिनि त मां हर शइ अलाह ते छॾे ॾींदी आहियां मां अगरि मुंहिंजो को कमु न बि थिए थो मां चवंदी चलो ख़ैरु आहे अलाह कंदो थी वेंदो ऐं कॾहिं कॾहिं कोई अहिड़ो कमु हूंदो आहे कोई अहिड़ो जेको मूंखे कुझु हासिलु करिणो हूंदो आहे त मां चवंदी आहियां न मूंखे खपे ऐं पोइ जॾहिं उहा शइ न मिलंदी आहे त मां असुरदा थी वेंदी आहियां मां अपसेट थी वेंदी आहियां त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त असां जेको प्लैनिंग करे वेहंदा आहियूं न काफ़ी अॻिते जी इहा ग़लति आहे
मुझे पंजो यो सोचना है पर जेके असा का गेस्ट इंदा आज असा जब गेस्ट पैनल में जेके मानु हुंदा मा उनन का भी यो सवाल जरूर पुछनम छा उहे पंजी जिंदगी में मुके हे खपे मुके हे न खपे मुके हे करणो आ मुके मतलब कंपटीशन आ है तो उन कंपटीशन जे पयो आहन छा उन कंपटीशन जे पयो लगी करे पंजी जिंदगी के हो पंज जिंदगी में टेंशन पैदा करण जरूरी आ है तो ये सब सवाल थींदा ए ये सब गालियों थींदियु अज ऐं जीअं मां चयो त भई थैंकफुल आहियां मां उन्हनि सभिनि जी जिन्हनि असांखे हे प्रोग्राम शुरू करण में मदद कई ऐं उन्हनि जो पोयों जेको मां हींअर हिते बीठी आहियां त उन्हनि जो ई हथु आहे सो एम डी मुबशिर तौकीर ख़ान जो मां वरी थैंकफुल आहियां ऐं उन सां गॾु गॾु डायरेक्टर आई आर सैफुद्दीन साहब जी मां थैंकफुल आहियां इलाही घणी ऐं जीअं इन सां गॾु गॾु जीअं मां चवंदी आहियां त ॾाढो ज़रूरी आहे खाधे पीते जो ख़्यालु रखणु छो जो क़िस्मत जो हाल ऐं असां पंहिंजो जेको ज़िंदगी जो फ्यूचर आहे उहो त असां अलाह ते छॾे ॾिनो पर अव्हां जी सिहत अव्हां जे हथ में आहे अलाह साईं चयो आहे हर शइ तव्हां निगलैक्ट करे छॾियो मूं ते छॾे ॾियो पर सिहत तव्हांजी ॾाढी ज़रूरी आहे तव्हां सुबुह जो उथो था जीअं हाणे सुबुह जो मां बि जीअं नाश्तो वाश्तो करे आई आहियां ऐं उमेदु आहे त तव्हां जेके हाउस वाइफ घरु वेठियूं आहियो पंहिंजे किचन में हींअर एॾी गर्मी आहे ऐं एतिरो मौसम चेंज थी वियो आहे त इहे सभु शयूं विसारे करे बि पंहिंजी फैमिलीज़ जे लाइ नाश्ता ठाहिनि मानियूं ठाहिनि ऐं टे टाइम उहा उन्हनि जी हिकिड़ी मां चवंदी आहियां जॉब आहे हिकिड़ी ड्यूटी आहे जेका उहे पूरी कनि थियूं सो उन्हनि माइरनि खे सलाम आहे उन्हनि सां गॾु गॾु जी उहो पंहिंजे घर खे ॾिसनि थियूं मर्द हज़रात पंहिंजे कम ते निकिरी हलिया वेंदा आहिनि उन्हनि खे हर शइ टेबल ते सजी करे मिलंदी आहे उन खां पोइ उहे कम ते निकिरी वेंदा आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु जी वरी ॿारनि जो ॿारनि जी देखभाल करणु ॿारनि खे स्कूल मोकिलिणो आहे वरी ॿारनि खे स्कूल खां वापसि अचिणो आहे त वरी उन्हनि खे लंच प्रोवाइड करिणो आहे सो इहे सभु शयुनि में जेको हथु आहे इहो असांजी माइरुनि जो आहे पर इहे असांजूं भेनरियूं माइरियूं जेके आहिनि पंहिंजी सिहत किथे विसारे विहंदियूं आहिनि पंहिंजी सिहत खे न विसारियो ॾाढी ज़रूरी आहे हर शइ तव्हां अलाह ते छॾियो था ठीकु आहे पर सिहत खे असां पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे सिहत खे असां नथा छॾे सघूं कंहिं ते बि त कोई फलां ईंदो त मुंहिंजो ख़्यालु रखंदो त मूंखे खाराईंदो ईअं न आहे तव्हां उथो सुबुह जो पंहिंजो हेल्दी नाश्तो कयो पंहिंजो न्यूट्रिशनल नाश्तो कयो ऐं ज़बरदस्त पंहिंजी डाइट रखो जो ॾाढो ज़रूरी आहे जॾहिं तव्हां एतिरा कमु कयो थियूं ऐं एतिरी जदोजहद सिर्फ़ु उहा औरत जो महिनत न आहे उन औरत जी महिनत न आहे जेका ॿाहिरि थी वञे पर उन औरत जी बि महिनत आहे जेका घर में कमु थी करे जेका हर वक़्तु पंहिंजो जी जान पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजी फैमिली सां लॻाए थी छॾे सो मां उन्हनि सभिनि खे बि ख़राज तहसीन पेश कंदमि पंहिंजी सभिनि माइरुनि भेनरुनि खे जेके सुबुह जो वरी असांखे बि ॾिसनि थियूं ऐं असां सां बि कचहरी कनि थियूं असांजी कचहरी ॿुधनि थियूं सो नंढड़े ब्रेक ते वेंदासीं नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते वरी वापसि अचूं था वेलकम बैक एट मॉर्निंग एट पी टी वी नेशनल जी ज़बरदस्त सुबुह जो आगाज़ तव्हां सां थी रहियो आहे पर हाणे असां सां ज़बरदस्त गेस्ट बि मौजूदु आहिनि ऐं मां हुननि जो तारीफ़ कराईंदी हलंदमि बग़ैर कोई हिकिड़ो सेकेंड बि वेस्ट किए छो जो मुंहिंजी पंहिंजी ॾाढी ख़्वाहिश आहे त इहा असांखे ख़बर पई आहे सभु शइ सो हाणे डिस्क्लोज़ थियण वारो आहे उहो सीक्रेट त छा असांखे ख़बर पवे सो सर लियाकत जोगी खे मां वेलकम चवंदमि टैरो कार्ड रीडर आहिनि ऐं सां गॾु गॾु पामिस्ट आहिनि ऐं प्रोफेसर बि आहिनि पढ़ाईंदा आहिनि अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो वालेकुम अस्सलाम बिल्कुलु ठीकु आहियूं तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक सर जीअं तव्हां ॾिठो त असां शुरू में ई मां हिकिड़ो सवालु छेड़े छॾियो आहे त छा फ्यूचर असां सोचूं छा फ्यूचर जे बारे में असां परेशान थियूं छा इहे थॉट्स असांखे सही सिमत में वठी वेंदियूं आहिनि या असांजा कम बिगाड़े छॾींदियूं आहिनि असल में तव्हां जेके थॉट्स आहिनि उहे पॉज़िटिव आहिनि या नेगेटिव आहिनि इन ते मुनसिर आहे त तव्हांजो कमु थींदो या न थींदो सुठो थींदो या ख़राबु थींदो सही ठीकु आहे त मैनिफेस्ट करिणो पवंदो आहे असांखे पंहिंजे फ्यूचर खे हा मैनिफेस्टेशन बि ॾाढी ज़रूरी आहे तव्हांखे कुझु हासिलु करण लाइ जी हा त असां उहो मैनिफेस्ट कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं असां उन शइ खे नेगेटिव मैनिफेस्ट कंदा आहियूं त मां फेल थी वेंदमि फेल थी वेंदमि फेल थी वेंदमि फेल थी वेंदमि तव्हां फेल थी वेंदो
ईअं ई तव्हां अगरि सोचींदो त मां पास थी वेंदमि पास थी वेंदमि पास थी वेंदमि त तव्हां पास थी वेंदो, पर उहे थॉट्स त जेके आहिनि उहे तव्हांखे पॉज़िटिव नमूने सां उन्हनि खे कंट्रोल करिणो पवंदो ऐं इन सां ई जॾहिं तव्हां वटि नेगेटिव थॉट्स हूंदा त तव्हांजो जेको फेस एक्सप्रेशन आहे तव्हांजे चहिरे ते जेको आहे रिंकल्स अची वेंदियूं आहिनि, तव्हां वटि परेशानी नज़र ईंदी आहे तव्हां चहिरे मां, ऐं जॾहिं तव्हां पॉज़िटिव थॉट्स ॾींदा आहियो त तव्हांजो चहिरो फ्रेश हूंदो आहे मुस्लिम त असां हर शइ अलाह ते छॾे ॾियूं ऐं असांखे कंहिं बि बारे में मतिलबु परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे छो जो अलाह खे ख़बर आहे उहो जीअं कंदो सही कंदो। अच्छा इहा ईअं बिल्कुलु न आहे, इन में थोरो फ़र्क़ु आहे जी। ठीकु आहे 22% शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन ते असांजो कंट्रोल न आहे, डायरेक्ट अलाह जो कंट्रोल आहे, अलाह खां सवाइ कोई बि नथो करे सघे। जेको असां हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदा आहियूं त असां पन बि नथा लुॾाए सघूं त यस ईअं आहे, असीं किथे पैदा थींदासीं, कंहिंजे घर में पैदा थींदासीं, कहिड़ी नसल में पैदा थींदासीं, कहिड़ी जींस में पैदा थींदासीं, इन ते असांजो कंट्रोल ई न बिल्कुलु। पर असांखे डॉक्टर थियणो आहे, इंजीनियर थियणो आहे, आईटी एक्सपर्ट थियणो आहे ऐं ॿियो को कमु करिणो आहे, इन ते असांजो कंट्रोल आहे। इन्हनि शयुनि खे बाक़ी जेकी शयूं अगरि 22% हुअनि त ही थी वियूं तकरीबन 78% इहे 78% ते असांजो कंट्रोल आहे। उन कंट्रोल खे असां पंहिंजे कंट्रोल में रखूं त असांखे डॉक्टर थियणो आहे, असांखे इंजीनियर थियणो आहे, असांखे आईटी एक्सपर्ट थियणो आहे, असांखे जेको बि कमु चाहियूं उहो करे सघूं। जीअं तव्हां चयो त मैनिफेस्ट कयो ऐं पॉज़िटिव थॉट्स रखो। यस यस, असल में हिते हिकिड़ो गिलैंड हूंदो आहे जॾहिं असां मैनिफेस्ट कंदा आहियूं, हिन खे असां थर्ड आई चवंदा आहियूं पंहिंजी ॿोलीअ में, ऐं उहो हिनखे चइबो आहे पिच्योरिटी ग्लैंड। सही, ठीकु आहे। हीअ जेको पिच्योरिटी ग्लैंड आहे ही असल में मैनिफेस्ट कंदो आहे काइनात जी हर शइ खे, जेको तव्हां सोचींदो ही मैनिफेस्ट कंदो ऐं उनजो उहो ई कंदो। हाणे हीअ तव्हांखे ॿुधायां, हीअ मोबाइल आहे, हिन मोबाइल मूंखे रोज़ु अपडेट थो थिए, रोज़ु अपडेट थो थिए। हीअ अपडेट छो थो थिए, इहो असां सोचूं था असांखे हिन शइ जी ज़रूरत आहे, उहो असां मैनिफेस्ट कंदा आहियूं ऐं हीउ दिमाग़ असांखे हल ॿुधाईंदो आहे त फलाणो फलाणो कमु कयो, हिनखे हाणे हीअं अपडेट कयो। सही, इहो सभु शइ असां मैनिफेस्ट कंदा आहियूं। बिल्कुलु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई ऐं ॾाढी असांखे ज़बरदस्त नॉलेज बि हिन जे थ्रू मिली आहे। पर सर असां जीअं टैरो कार्ड रीडर आहियो, पामिस्ट आहियो अवां माशाल्लाह, त असांखे क़िस्मत जो हाल बि ॿुधाए वठो। अच्छा, हिनखे बि जेके 12 बुरूज आहिनि असांखे उन्हनि जे बारे में ॿुधायो ऐं हिनखे बि तव्हां क़िस्मत जो हाल न चओ। अच्छा, दिस इज जस्ट काउंसलिंग। काउंसलिंग आ मां तांखे इन में केतरो परसेंट सही हूंदो आ केतरो परसेंट गलत हूंदो आ, मतलब गलत त मां न चवंदम जेको न थियण वारो हूंदो। हाणे मां तांखे ॿुधायां 12 स्टार्स, मां तांखे हींअर ॿुधाईंदुसि 12 स्टार्स ॿुधाईंदुसि जी। ऐं काइनात में जेके माण्हू आहिनि उहे करोड़े अरबे माण्हू आहिनि। बिल्कुलु, ठीकु आहे। अगरि मां चवां थो एरीज़ जो अॼु हीउ ॾींहुं गुज़रंदो त उहे एरीज़ अलाए घणा लखे करोड़े माण्हू हूंदा। हा, ठीकु आहे। हाणे सभिनि सां हिकु जहिड़ो त न थींदो, हर कंहिंजो लाइफ स्टाइल डिफरेंट आहे, सभिनि डिफरेंट आहे। हा, इन करे ॿियो इहो 100% ई सही हूंदो आहे अगरि तव्हां हिन ते बिलीवर आहियो। अगरि तव्हां बिलीवर न आहियो त तव्हांजे लाइ बेकार आहे। हा, तव्हांजे लाइ बेकार आहे। तव्हां हिन ते बिलीव कयो, हे बिल्कुलु ईअं ई आहे त मां तव्हांखे चवां ॿाहिरि न वञो, ॿाहिरि मींहुं थो वसे, त तव्हां उन ते अगरि कंट्रोल कंदो त मींहुं थो वसे, या मां चवां त हीअ रोड भॻल अथव हिन रस्ते तां न वञो, त अगरि भॻल रोड ते तव्हां वेंदो वरी फासी पवंदो अॻिते वञी करे। इन करे जेको मां तव्हांखे मशवरो ॾिनो आहे, तव्हां अगरि उन ते अमल कंदो ऐं ॿिए रोड सां वेंदो त तव्हांखे मुश्किल न थींदी। जिस जस्ट काउंसलिंग, जस्ट काउंसलिंग, दिस इज़ नॉट किस्मत। सही आहे। ऐं हिनखे असां चवंदा आहियूं टेरोस्कोप। हिकिड़ो तव्हां लफ़्ज़ ॿुधो हूंदो आम, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप, दिस इज़ टेरोस्कोप। टेरो सां मां तव्हांखे तव्हांजे बारे में ॿुधाईंदुसि। असां 2 सेगमेंट हिते रुगो ॻाल्हाईंदासीं, नंबर 1 करियर, नंबर 2 लव। ठीकु आहे, ठीकु आहे, वधीक न ॻाल्हाईंदासीं, जीअं सभु कवर बि करे छॾियूं ऐं कम बि। अच्छा, एरीज खां शुरू कंदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में प्रोड्यूसर जेको आहे एरीज जो टाइटल बि हलाईंदो, एरीज जो टाइटल हली वेंदो। ठीकु आहे, एरीज जेको आहे हिनखे उर्दू में चइबो आहे या सिंधी में चइबो आहे बुर्ज हमल, ऐं हिन जो टाइम पीरियड आहे 21 मार्च खां 20 अप्रैल। 21 मार्च खां 20 अप्रैल जे विच में जेके माण्हू पैदा थिया आहिनि उन्हनि जो पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायां त हीउ हफ़्तो कारोबार में, कम में, बिज़नेस में कीअं रहंदो। ठीकु आहे, हीउ मां पहिरियों कार्ड कढियो आहे ऐं दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल जो मक़सदु असल पेंटिकल पैसे खे चइबो आहे। एरीज़ हीउ हफ़्तो तव्हांजे लाइ पैसनि लाइ ज़बरदस्तु आहे, पैसा अचनि पिया। ठीकु आहे, ख़ुशि थी वञो। हा हा, ऐं केॾा वॾा पैसा नज़र अचनि था तव्हांखे, हीअ ॾिसो, ऐं हीअ पैसा तव्हां ॾे अचनि पिया ऐं इन्हनि पैसनि मां तव्हां फ़ाइदो वठंदो। जेके रुकियल पैसा हूंदा उहे बि अचनि पिया, ऐं इलाही कम अहिड़ा आहिनि जिन में तव्हांजो कमु फाथल हुयो ऐं उहो
कंटिन्यू न पियो थे तो इन हफ्ते वो कंटिन्यू थींदो जबरदस्त ठीक आ एड़ा मानू जेके नौकरी जे इंतजार में हुआ उनके ऑफर लेटर भी मिली सके तो सही ठीक आ तो ही हफ्तो एरीज जे करियर लाइ एक्सीलेंट आ इन में इंशाल्लाह पैसा उनन वट ईंदा हाने एरीज जी लव स्टोरी ते गलाई जी ठीक आ ही वद में वद सवाल हुंदो आ साजे कम में ठीक आ लव स्टोरी में एरीज ही चे तो ही चैरियट जो कार्ड आ चैरियट एकड़ो मानु आ जको बग्गी के भजाए तो ऐ वो बग्गी जो का जडे भजे थी तो जारी गाला पयो मट्टी धूड़ जे की हुंदी आ वो उदरे भी थी ऐ हु जमल बिन घोड़न के कंट्रोल तो करे बग्गी जे तो नो डाउट तो उनके ताकत भी लगती परेशानी भी लगती ही चे तो पांजे एफर्ट्स जारी रखो सही लगा पया हो जो ठीक आ परेशानी इंदी धूड़ इंदी मिट्टी इंदी ऐ जको ता थक जी पौंदो पर लगा पया हो मोहब्बत हासिल थी वेंदी आ अवां के जको चोंदो वो थी वेंदो इंशाल्लाह इन हफ्ते में ही रिजल्ट जो कार्ड दिया ही रिजल्ट जो कार्ड दिया ए च तो कोशिश करो ताके इन हफ्ते में इंशाल्लाह रिजल्ट मिली वेंदो ई डाडो पॉजिटिव कार्ड आ ठीक आ एरीज वारन ला सिटियो खबरू आहन ए जी हाणे असा वेंदासी टॉरस ते टॉरस बुर्ज सौर आ ही टाइम केडा 20 अप्रैल का 20 मई आ आज केडो दिन आ आज 20 मई आ जी अच्छा आ बे बताई दो ला आज 20 मई आ मुजी बर्थडे आ Oh, sir, happy birthday. Thank you very much. This is also, I'm also Taurus. The Taurus jo peru career ji galta kyun? In ka baad asan Taurus ji love life ji gal karna si. The judgment jo card a. Judgment asal mein awhan je andar ji kuch negativities bahar kadan do a. Theek a? Hi judgment. Hin mein agar ta card ke gaur sa lisando ta kabar ma kuch murda pa niklan. ही मुर्दा जो मकसद कुछ शयू दफन क्यों आन पर वो निकरन पे वो बाहर अचन पे वो तुम रुकावट पैदा कद डिस्टर्ब कर इन मुर्दन से कंट्रोल कर जी शे दफन क्यों उन दफन थे अगर तुम करियर में उन शन के दफन कर छींद नवा रस्ता गोलिंद तो तुम जो एक्सीलेंट वीक आई मतलब पोते न दिसो इंगड़ा मुर्दा न कडो अते वदो अते वदो जतरो तमा अते वनदो ओतरो ता जलाए बेहतर आ यो सबक मुजे लाए बिया ए तमाम टॉरस लाए बिया त पुरानी शयु जकन उनन के खत्म कयो ए उनन के दफन कयो ए उनन जे कदर न वदो इंशाल्लाह शयु बेहतर थिंदियो ए अगर तमा उन में विचडल रहंदो उन में बदल रहंदो ए बार-बार उनन के याद कंदो तपो तमा तंग थिंदो ठीक आ ओके हाँ चालो सा उन लव स्टोरी दे ओके टॉरस बुर्ज सौर लव लाइफ ही कार्ड भी सुठो कार्ड ना है ही कार्ड भी यानी कि जी पहरों कार्ड हो वो नेगेटिव न हो पर वो कार्ड असा के बुधाए पियो त तहां के हिशे खत्म करनो वो काउंसलिंग जो कार्ड हो जो लव में पहरों इस्तेमाल कियो दिस इज काउंसलिंग दिस इज नॉट किस्मत अगर तमा के मा चवा तो ता ही चैप्टर क्लोज कयो है नथा कयो तो किस्मत थोड़ी थी पाण पाण ता खराब जी ये जो को ही वारो कार्ड भी अचे तो बोले जेके मानु चोरी करे व्या जेके मानु मुनाफत करे व्या अगेन उनन के याद न कयो सही उन जे कदन न लगो नवा रस्ता नयू राहू ए नया मानु ता जिंदगी जे इंतजार में बैठा है अगर ता उनमें ही फातल रहंदो तपो ता जे लाई प्रॉब्लम थी मतलब करियर में भी अगते वदो ए लव लाइफ में भी टॉरस अगते वदो ठीक है तमा चयो पुरते मुड़ी करे नाए दिसनो यस पुरते मुड़ी करे नाए दिसनो पंजी मंजिल के अगते वनी करे दिसो इंशाल्लाह शयु ता जो इन हफ्ते में इंशाल्लाह इंशाल्लाह टॉरस वार लाई थोड़ो चैलेंजिंग आहे छो जो ए मानु च हुंदो आ न तो पोते जरूर दिसंदो आहे हां न माही छो कयो माहु छो कयो नेचुरली नेचुरली आहे जी ई आहे हां सर हाने सा जेमिनी ते वेदास जेमिनी बुर्ज जोजा चवंदा 21 मई का 20 जून जे विच में जेके मानु पैदा थन यानी के सुभाने का जो ही जो जेमिनी जो शुरू थितो महीनो जेमिनी लाए असा पहिरो कढूं था कारोबार कम बिजनेस जो कार्ड एंड दिस इज टावर टावर असल में अनएक्सपेक्टेड के फेस करण जो कार्ड आ अच्छा कारोबार में कम में नौकरी में जॉब में कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड थी सके तो सही जो को तमा सोचो ना है जो को तमा प्लान ना है कयो ही कार्ड हु नेगेटिव आ पर इन के तमा पॉजिटिव भी वटी सको ता की अगर तमा ऑलरेडी नेगेटिव आयो तो वो पॉजिटिव थी अंदो सही अगर ऑलरेडी अमा फाथल आयो ऑलरेडी तावड़ तोड़ फोड़ शुरू थी चुकी आ तो पो हाने तावड़ जको आ डिस्ट्रक्शन न थींदी तमा वधिक बेहतर तरीके से पाजो पाण कला सको आए अगर तमा पॉजिटिव आयो तो ता के अनएक्सपेक्टेड के फेस करण लाय तैयार रहण गुजे ही हफ्तो तैयार रहण जो आ फेस करण जो आ त तमा जतरो फेस कंदो ओतरो तमा जे लाय बेहतर आ सही अते वो फायदा ही फायदा जी हां सही आ जेमिनी जी लव लाइफ जेमिनी जी लव लाइफ जेमिनी And this is love life, Ali Shyam.
आमतौर पर ये थोड़ा तो जो मानो जो करियर जो कार्ड सुठो ना ही दो, हाँ। उन जो वरी पो लव लाइफ भी थोड़ी गड़बड़ी दी आ अच्छा ठीक आ जे टॉरस जो आयो तो बिनी पास दे चैलेंजर्स पे होचे पर हते लव लाइफ जे मामले में दिस तो बेहतरीन ना क्वीन ऑफ पेंटिकल जबरदस्त ठीक आ लव लाइफ जे मामले में जेकी उने जी सोच आ जेको हु चाहे तो जेके उने टारगेट्स के आन वो सब अचीव थी चाहे वो फैमिलीज के विच में हुजन चाहे वो नए रिश्ते जो हुए चाहे बी का गाल हुए वो सब जो अचीव थी लव लाइफ में ही हफ्तों जेमिनी लाइ एक्सीलेंट जबरदस्त ठीक है सर हाँ ऐसा वेदा सी कैंसर की तरफ जी कैंसर बुर्ज सरतान चाहे वो इनके 21 जून का 22 जुलाई के विच में जो मानू पैदा थे असि उन गाल कंदे पे करियर की गाल कंदे ये मां उन जो करियर जो कार्ड कढ़ो सुठो न सुठो न अच्छा मां ताके बुधायो जदे मां सुठो नाहे चयो आ बी एकरी गाल बुधाय छदा हूं ही जको कार्ड्स हन ये प्योर काउंसलिंग हन ताके जदे मां चवां तो सुठो नाहे त उए जके कम है जके खराब था करे न कम के तो उनन के रोकियो बिल्कुल उनन के ता रोकियो उनन के कंट्रोल करियो मुझे ख्याल में किस्मत बजाते खुद काई शे नाहे हुंदिया तमां जो पहेंजे कम ते पहेंजी जिंदगी ते कंट्रोल लूज करण के असा नुकसान चंदा है कंट्रोल करने के साथ पॉजिटिविटी चाहिए ये जगह टैरो कार्ड रीडिंग आ है हाँ। इन जे थ्रू अस काउंसलिंग जे थ्रू अस हाँ। उनके सही करे सकौं ता यस यस एक दोस्त मोट आयो उन में मुखे पूछो यार मुझे फलानी जाय ते डील पई थे की रहंदी त ही कार्ड उन माल आयो हो ही कार्ड असल में चोरी जो कार्ड ही कार्ड चे तो ता वट वो डील कोई चोरी करे वंदो वो बियो को मानु हजम करे सही ठीक आ उन थोड़ी देर सोचियो चई हां यार ई पियो थे मां गलती कई जदे मुझो कारोबार कम थे पियो ते एकडे बे मानु सा मां जिक्र कयो ओ मानु विच में डील उडारे वियो सही त हुने चो हाणे मां छा कया त हन में एकडो बियो कार्ड आयो जे में उन जो जन जो मकसद हो त पेंजी एक्सपर्टीज के यूज कयो हुन थोड़ी देर सोचियो के लगो यस थियो कम जो हुन जो को उनही मानु के फोन कयो उन के चो यार ये डील न कजाय मुखे इन को वधिक प्रॉफिट में मां तां जो सौदो कराया सही ठीक आ उनके भी लालच चिची हुई हुन वो डील न कई हुन ओतरन दिन में उन चो मके हफ्ते टाइम दे हफ्ते में उन जो को एकड़ो सुठो ग्राहक उन लाइक पेश कर चले काते काते ता के ना स्मार्ट प्ले करनो पोंदो आ स्मार्ट थेनो पोंदो आ अगर तमा स्मार्ट ना हो सो चमदान मेहनत कियो मेहनत कियो मेहनत कियो मेहनत करन दाडी सुठी गाल आ पर मेहनत सा गड स्मार्टनेस इनता जरूरी आ बिल्कुल स्मार्ट वर्क ओके ही ऐसा कार्ड दिखो तो ही कार्ड जो को एडो सुठो नाए ता वट काई चोरी थी सके थी काई गड़बड़ थी सके थी काई मायूसी ता वट कारोबार कम में थी सके थी ठीक आ हाने असा का दलदा से कैंसर की लव लाइफ कैंसर लव लाइफ हता के कैंसर जो को पान जो को एडो खतरनाक मान मतलब केकड़ा जो चंद केकड़ो हां तो ही पान भी डंगे सके तो पर करे करे पान भी डंग जीवंदो ठीक आ अच्छा लव लाइफ जो कार्ड सुठो लव लाइफ जो कार्ड सुठो आ इन लव लाइफ के कार्ड में यो तो नजर अचे त तावड़ जेकी रुकावट ही लव लाइफ में ताजो पीन पे मने ताजी मान पे मने हुन जो पीन पे मने उन ई मान पे मने उन जा माइट न पे मने हाण वो रुकावट हट जे थी रुकावट हट जी वई आ हट जे थी हट जे थी इन हफ्ते में हट जी वंदी जरे वो रुकावट हट जी वंदी त ताजे लाय दाड़ सुठो सुठो दो ए दाड़ो बेहतरीन थिंदो त इन हफ्ते में जेके मानु मैरिड आ उन जी लाइफ में कुछ इश्यूज हुंदा कुछ प्रॉब्लम्स ना उहे भी खत्म थिंदा प्रॉब्लम्स जेके हर जाते मौजूद हन ही पहिरी मां तांके बुधाई एड़ा मानु जिन जी शादी रिश्तो थेनारो आ एड़ा मानु जेके ऑलरेडी मैरिज हन अगर ज़ाल मुड़स में झेड़ो आ नाराजगी आ या रीयूनियन करनी आ त वो टाइम अच्छी हो वो टाइम अच्छा इन हफ्ते में वो कम थी वेंदा जबरदस्त ये डाडी सुठी गाल है ए जी हाने सर अस लियो ते वेंदासी ए लियो जे बारे में लियो बुर्ज असत चे बो इनके 23 जुलाई का 22 अगस्त जे विच में जके मानु पैदा थन ओके लियो जी अस गाल कयो प्या लियो लाए कारोबार लाए कम लाए बिजनेस लाए लडो जबरदस्त कार्ड है जबरदस्त ठीक आ ही कार्ड असल में कब जो कार्ड आ पहिरो एकडो शुरू में स्टक कार्ड स्टार्ट में कार्ड आयो पेंटिकल पेंटिकल चे बा पैसे के ही या कप ठीक आ कप जो मकसद आ इमोशनल सेटिस्फेक्शन कुछ मानु जो टारगेट हुंदो आ मके यही नौकरी खबे उनके बी जाए ते ऑफर जो उनके बी जाए ते ताचो ता भाई ते पगार वधिक हो थिंदे ते वधिक मजो ते नो मके यही थे ये शे आम तौर ते आर्टिस्ट जे अंदर हुंदी आ हां जो को आर्टिस्ट हुंदा उनके पंजे आर्ट सा प्यार हुंदा एड़ो ही कम करन चाहिंदा जे में उनजी पंजी सेटिस्फेक्शन होजे ता जी सेटिस्फेक्शन वाली जॉब तैयार बीठी आ ता जो सेटिस्फेक्शन वारो कम तैयार बीठो आ ता जी सेटिस्फेक्शन वारो बिजनेस तैयार बीठो आ इन हफ्ते में तुम अचीव कंदो वो कम जमें ताजी सेटिस्फेक्शन आ जमें ता दिल खुश आ ए दुनिया में सबन को सुठो कम या जॉब या बिजनेस या कारोबार वो या जो को ताजो शौक आ
जे में ता सेटिस्फाई हो सेटिस्फाई में ता दिल खुश हो जी हां त दिल खुश जको पाजे शौक में हुंदिया त वो ही शौक और कम ताके नफ्त में मिलंदो सही है। अच्छा लियो जी असा लव लाइफ थे अचो लव लाइफ ही जको कार्ड आ यो असल में लव लाइफ में अचन गुरबो ही लव जो कार्ड आ प्यार जो कम से प्यार ठीक है। लव लाइफ जो कार्ड भी किंग जो कार्ड आ किंग जो कार्ड भी सुठो हुंदो आ बेहतर हुंदो आ पर ही कुछ थोड़ो सख्त मशवरो तो दे ही कार्ड ही वाला जो किंग आ इन्हें दिसो ये दाढ़ी वो मानू आ बुजुर्ग मानू आने हाथ में तलवार भी है तराजू भी है तलवार जो मकसद आ चेत थोड़ो कंट्रोल कर सही थोड़ो सख्ती कर पर एडी भी ना तराजू जो मकसद आ थोड़ो बैलेंस भी कर एडी सख्ती न कर बैलेंस भी कर ठीक है। जो उर्दू में लफ्ज चुब आ खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से ठीक है तो वो कम कर लव लाइफ में अगर तक उनके मतों ओड़ो ही एतबार ओड़ी ही शूं जी तुम शुरू को कंदा रहा उ कंदा रहो तो थी सके तो कुछ नेगेटिविटी अची वे इन थोड़ो कंट्रोल भी कर थोड़ी सख्ती भी कर प्यार से सख्ती भी जरूरी है ठीक है। जबरदस्त जी हाँ सर विरगो ते वासी विरगो बुर्ज सुंबला 23 अगस्त का 22 सेप्टेम्बर के बीच में जो मूँ पैदा थे विरगो जबरदस्त माल ताई जो सुपर डुपर कार्ड आ कारोबार कम है बिजनेस के लिए ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल जो को पहरों पहरों कार्ड हो एरीज जो वो हो एस ऑफ पेंटिकल वो नंबर वन कार्ड हो ये 14 नंबर कार्ड आने ये फर्क आ ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल जो मकसद आ तमाम पेंटिकल पैसे के चबो मटीरियल के चबो तो पेंगी किंग ऑफ पेंटिकल जो मकसद आ ता कारोबार में कम में बिजनेस में नौकरी में जॉब में हाइप ते वेंदो पैसे के हवाले से ठीक है। ये फर्क भी माता के बुधा छोड़ो जो कप जो मकसद सेटिस्फेक्शन पेंटिकल जो मकसद पैसा मां हाने सेटिस्फेक्शन जी हाइप न तो चवा मां पैसे जी हाइप तो चवा मटेरियल जी हाइप तो चवा तमा के बोनस मिली सके तो ता जो प्रमोशन थी सके तो ता के जेके पैसा फातलन वो मिली सके ता मतलब फायदो ही फायदो फायदो ही फायदो आ त ही हफ्तो विरगो लाए किंग ऑफ पेंटिकल जो कार्ड आ पैसा ए वडा पैसा तमा वट अचन वाला है। जबरदस्त अगते हलो विरगो जी लव लाइफ लव लाइफ जी विरगो जी लव लाइफ दाडी सुठी ना है ठीक अच्छा, है पर हने में को जो को सिंबल है वो यो है द ब्लेसिंग्स आइन अच्छा ब्लेसिंग जने भी दुन दुआओं जने भी एक्टिवेट हुंदी तो उनन दुआओं जे माल तवा जो पांच दिमाग कम ना कंदो दुआ उन रिश्ते के हलाई दिया दुआ उन लव लाइफ के हलाई दिया दुआ उन पावर के हलाई दिया काफी शेन के दुआ जेका हुंदी वो बचाई दिया बचाई दिया त इते दुआ एक्टिवेटेड आ पर जाहिरी गाला त जदे ता के एडा पैसा मिलियान पैसा मिली उनकी हाइप मौजूद आज सजो रुख आ पैसे थी कारोबार कम थी जैसे तक कम दे कारोबार दे बिजनेस से रुख कौ तो इन पास लव लाइफ जो सैक्रिफाइस कहती वो सैक्रिफाइस थे पो पान के रोकने की कोशिश कर पान के बैलेंस करने की कोशिश कर तेरह कार्ड में बार बार तराजी जो कार्ड हों तराजू जो मकसद आ बैलेंस कर बैलेंस कर बैलेंस कर तो पान के बैलेंस करने की कोशिश कर थोड़ी नेगेटिविटी तहन में अची वही पर दुआ तक बिगड़न न दींदी तक तंग थे नींदी तेज रिश्ते में काई भी गड़बड़ न थी शूं बेहतर को बेहतर थन्द पर जहन में के जहन के नेगेटिव थे का बचा नेगेटिव थे का बचा ही बैलेंस रखो बैलेंस रखो करियर लव में सर हाँ लिब्रा जी बारी अच्छा, असा टाइटल दे दिसों ही ना था ना अच्छा अच्छा सही है। ओके लिब्रा बुर्ज मीजान 23 सेप्टेम्बर का 22 अक्टूबर जी ठीक है 23 सेप्टेम्बर 22 अक्टूबर कारोबार कम ए बिजनेस जो कार्ड कुछ शूं अड़ी होंदी जो प्रैक्टिकली कारोबार में कम में बिजनेस में जॉब में तवे सामू होंद यानी कि मुसा मुझे बॉस सही न तो हल पर कुछ शूं अड़ी होंद जिन में यो महसूस उ अंदर का निकरंद उनको नालो आ फियर यानी कि सामू काई शे नथी अचे अंदर वो काई शे निकरे थी ठीक है। सुबह जो बॉस आयो लंघे वो तक न डिठई तक सलाम न कियो तक सलाम न कियो पर उन फियर अलाय जो बॉस मुझे सलाम न कियो अलाय जो बॉस मुझे डिठो न अलाय मुझे कड़ी गलती थी वही ये जो फियर आ सेल्फ क्रिएटेड हों ये तुम पान पैदा कंदा हो जैसे पैदा कंदा हो तो उ पिचोटी ग्लैंड जो कम कर शुरू कर जैसे वो कम कर शुरू कर तो वो तक नेगेटिव कह नेगेटिव कर हाँ जै मेल तुम बॉस वट वो उन रूम में वो तो वाइब्स वाइब्रेशंस उजो जो ओरा है वो ऑलरेडी कमजोर थे हों तिकल में लगो तो तक हारल आ तब दबिल आ कुछ गलत थो तो बॉस वह शे महसूस कह
ओरा असल में कॉपी थी दिया मुझे ओरा सा ताज ओरा बेहतर थी तो ताज ओरा सा मुझे ओरा बिल्कुल ही आए थी सके तो ठीक है तमा खरी गलाई दो माखरी गलाई दो तमा रोई गलाई दो मामी अफसोरदा रोई करे गला बिल्कुल ही ठीक है त ही चे तो ता वट फियर्स वदी वेन कारोबार में कम में जॉब में बिजनेस में नौकरी में आई वो फियर्स सब सेल्फ क्रिएटेड होगा सही तो उनन सेल्फ क्रिएटेड फियर्स के कंट्रोल कर फियर्स के कडो एडी का गड़बड़ मौजूद ना है तमा गड़बड़ पाण पैदा करे रहे अगर हाने पाण पैदा करे रहा हो तो पाण ही उनके बाहर कडो अच्छा काफी शिकस्त असन के पंज फियर्स चे करे ही मिलंदी है बिल्कुल जिंदगी में जेके भी नाकामी हुन उन नाकामी में असन जे फियर्स जो किरदार हुंदो बिल्कुल ही बिल्कुल उन जे करे नेगेटिव ओरा जेको आ ओरा नेगेटिव थी वेंदो ठीक है बिल्कुल नेगेटिव अच्छा लिब्रा जी हाने असन लव लाइफ ते वेंदा अच्छा लिब्रा जी लव लाइफ सो क्या दिस इज वेरी गुड नाइन ऑफ वांड्स जो कार्ड नाइन ऑफ वांड्स उनन मानुन लाए जिन जिन जा रिश्ता शयूं फातल हुयूं अचीव न पा कर सकन या शयूं जो मिली न पी सकन खानदानी रुकावटों भी जाती रुकावटों भी पैसे की रुकावट भी मुआशी रुकावट भी पैसे की चवा तो ये तहे मिलन न पा दियन तुम रिश्तों थे न पा दियन शयूं खराब पी थे ठीक है हाँ वो टाइम अची वो हे हफ्तो वो अची वो तो उ शूँ जो स्टीमलाइन थी व्यद कुछ उन्हें बार हल्को तथा कुछ तवाज शूँ जैसे करे तमा बैलेंस थी जाओ ही कार्ड बुधाए तो ता जी बेड़ी तैयार बैठी आ हां हां ता ने सफर कर जबरदस्त ठीक आ बेड़ी बिल्कुल तैयार आ उनन कुछ शर्तों घट कयुन कुछ ता पांजी ताकत बधाई आ जैसे करे जिंदगी बैलेंस थी वंदी लव लाइफ इंशाल्लाह ता जी जबरदस्त थी ता जी रुकावट खत्म थी ठीक है जी डैडी स्टिक खबर लिब्रा वार ला हां स्कॉर्पियो ते वेदा से स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब जी ठीक आ ने जो टाइम पीरियड आ 23 अक्टूबर का 21 नवंबर बिल्कुल बिल्कुल कारोबार कम है बिजनेस जो कार्ड दिस इज कारोबार कम है बिजनेस ठीक है पहरों पहरों जो कार्ड आयो अगेन उन जिक्र क्या वो हो एस ऑफ पेंटिकल दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल एस ऑफ पेंटिकल जो मकसद आ तुम वे वे पैसे की आमद शुरू थी वही एस बिगनिंग वन वन आ पेज असल में अस चवंदा पेजर के मैसेज के मैसेंजर के पटे वाले के एक पैसे जो जो पटे वालो अची वो टक 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 साई ताजा पैसा बार बीठा खड़ी चाहता पेज ऑफ पेंटिकल इज रेडी हे सीने से गुड पैसा राइडर आई ये पैसा खड़ी आयो चे तो तवा पैसा तैयार बीठा तो ठीक है इन करे अगर तुम इंतजार में वेठा हो तो प्रमोशन लेटर कदम तुम बोनस कदम जो पैसा फाथल वो कदम तो हि राइडर अची वही चे तो पैसा तैयार बिल्कुल अच्छी वा इंशाल्लाह इन हफ्ते में तवट पैसा इंशाल्लाह हां जी स्कॉर्पियो जी लव लाइफ स्कॉर्पियो आवां जी लव लाइफ बुधाई ता पैसा दची आन पर ले आशिक आयो आ है लाइन आशिक मजबूर आ आशिक मजबूर आ स्कॉर्पियो जी लव लाइफ में वही कार्ड आयो आ जो थोड़ी देर पहरियों मां समझा तो यो टारस जो सही जदोजहद जो कार्ड जदोजहद जो भजन जो कार्ड हो बगी जो कार्ड हो सेम कार्ड आया हुआ इन मकसद आ तो जदोजहद जारी रखो इंशाल्लाह फतह तक मिली हार न मो ठीक है अगर शादी में गड़बड़ा तदे भी हार न मो रिश्ते में गड़बड़ा तदे भी हार न मो पे घर में अगर शादी शुदा हो वरी को जन्ना सना सुखा जड़ा तदे भी हार न मो माई जो रुसाए कर सौर घर विहारी आ तदे भी हार न मो ठीक है जेतो जेत पनी जारी रखो हाणे साईंदा सी सेजिटेरियस सेजिटेरियस बुर्ज कोस 22 नवंबर का 21 दिसंबर जे विच में जेके मानू पैदा थिया सेजिटेरियस बुर्ज कोस हुचे थो त जनाब आला सेजिटेरियस तमा पेंजी जरूरत का मथे कर्ज वठी चुका है कर्ज जो मकसद आ एतरी इनकम न हुई जितरो ता खर्च कर चुका है एडी जरूरत न हुई जो तुम बैंक्स का लोन वो हाँ तुम मोटाण जो टाइम इन करे तांके हे हफ्तो टेलीफोन बंद करो पव थोड़ो लिखण पव थोड़ो परेशान करो पव जिथे ही थोड़ो नेगेटिव कार्ड आ उते ही सबक भी आ तो जरूरत का वधिक न वो बिल्कुल बिल्कुल न वो साहब हो कारोबार न पे हल त परेशान हो उन पगारू भी बेटिन महीन का मानून के पगारू न डनी हुई बिजनेसमैन हुए जो ढो परेशान होता तो हाँ कंपनी बंद क्या क्या
वही करे एकड़े पार्क में वही रहो परेशान वेठो तो उते एकड़ो कुराड़ो आयो चे बा छो परेशान आ चे ताके मा छा बुधाया बाबा ताके मुजी गाल समझ में नहीं आई चे वरी भी बुधाय चे मा परेशान कर टेंशन में का पगारू ना दिनियो आ हन में पगार भी देनी आ कारोबार बिल्कुल तो पैसे जी कमी आए तो नुकराड़ चतो के घणा पैसा खपन ये करे डिटेल्स चे मुके इतरा पैसा खप कुराड़े खीसे में चेक कढ़ो उनके भरो चाहिए लो उनके वो चेक ले ढो खुश थो चई जैसे तवो कम थी वे ठीक हाँ। एक साल का बाद तक इतने ही मिलस मुझे पैसा मोटा दीजिए वो वो वही बैंक चेक के डिठी चौक के दिसन सा हौसलो अची वो हौसलो अची वो उन चेक वही ड्रॉअर में रखो इन बाद वर्किंग शुरू कई क्या दिमाग उन कम कर शुरू किया दिमाग जहाँ डेड सेल हुआ जो उनके पार्क में वी वह उन कम कर शुरू कर छोड़ कम इन बाद जबरदस्त कदम की स्ट्रैटेजी ठाई कर कम कर शुरू कर छो उन चेक दिसण की जरूरत भी न पी चेक कैश कराने की जरूरत भी न पी कम हली पो ठीक एक साल का बाद चो तो वही ये पैसा कुराड़े के चेक मोटा दे तो चेक भी तुझे मुझे कम थी वो ऐसो हौसलो जो केडो जबरदस्त है पर जो क्लाइमेक्स जो स्टोरी जो हुआ मानू वही वो वे उन बेंच से वे रो थोड़ी देर में ऐसे तो कुराड़ो अचे तो वो कुराड़ो तो अचे तो उन कड बे मू भी भजदा अचन था उन कुराड़े के पकड़ो ये भजी भजी उन्होंने वो चाहिए छोता इनके पकड़ो चाहिए असा भरसा जो मेंटल हॉस्पिटल है उतो चरियो आ मूल के चेक ी पर हौसले के लिमिट में होना जरूरी है चे तो पैसा क्या हद क्या तक एतरी जरूरत न हुई तुम जरूरत में लग्जरी भी शामिल कर छी पाँच बी शूँ भी शामिल कर छन घर जो खर्च भी तुम पैसों से हलो हाँ तक वापस करने का टाइम आता तक फोन बंद करो इन करे पान के लिमिटेड कर पान के संभाले रखो तो इन हफ्ते में थी सके तो ताज मतो सख्ती थे अगते हलो छा करनो असांगे सजिटेरियस जी लव लाइफ सजिटेरियस जी लव लाइफ ओके दिसौ लव लाइफ के तेले जी थोड़ी देर पहले मा एक लव शो ब्लेसिंग्स दुआओं लव लाइफ दुआओं सा हले पई हला केडो कार्ड होयो हाने जो को उन माल मां जो कार्ड हो मदर जो कार्ड हो हां लव लाइफ जो ताल्लुक असल में मदर सा हो अच्छा मदर सा हो पी जो ताल्लुक हुंदा कारोबार माँ की दुआ ताजी रिलेशनशिप लाइफ के मजबूत कंदी आ पी की दुआ ताजो कारोबार कम बिजनेस थोड़ी देर पहले जो कार्ड आयो मदर जो कार्ड आयो उन ब्लेसिंग्स लव लाइफ जबरदस्त हुई हाँ जो पी जो कार्ड आयो लव लाइफ में हाँ ये छो आयो लव लाइफ में पी जो कार्ड दिसो लव लाइफ इन कर खराब थी सके थी ऑलरेडी तवे बैंक के लिए पैसा देना मानून के लिए पैसा देना तुम कारोबार खराब आ हाँ पी की दुआ एक्टिवेट थी पैसा इंदा हाँ। लव लाइफ बेहतर तो ब्लेसिंग से लव लाइफ बेहतर दुआ से बेहतर गड़बड़ कुछ भी ना नेगेटिविटी कुछ भी ना पर जैसे तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम अचन था माशी प्रॉब्लम अचन था तो लव लाइफ खराब थी इट्स नैचुरल इट्स नैचुरल ठीक है तो उन नेचर के कबूल कंट्रोल कर पी की दुआ जारी रखो वाले साहब से अगर नाराजगी तुझे इलाही दफा ये थो मानू मुट आया मुख्य चवन मुझे कारोबार तबाह मुझे कम खराब थो कम बिल्कुल न तो हलो पैसा बिल्कुल ना अचन तो उनको पहुँ सवाल में यो तुझे वाले साहब तक नाराज आ चे हाँ ये आम थो पे उनके वही मनाया तब कलंदर एक पी एक माँ तक किथे कें कलंदर वे कें टैरो कार्ड वालने की जरूरत ना तहां पांजे कलंदर जे सामो वंजे करे धमाल कयो जिंदगी तां जी उही बेहतर थी वे जिंदगी आसान आ तां अगर मापी जी दुआ वठो जबरदस्त दुआ तव डायरेक्ट डायरेक्ट तां के वधिक पीरन फकीरन दे वणी जरूरत ना पी ए मा जबरदस्त किस्म जा कलंदर तव ये कलंदर तां जी हर खुशी हर परेशानी दूर कंदा जी ए डाडी जबरदस्त टिप तां दे छडी आ सब यस यस इट इज जी हां अच्छा सर हाने जेको असा कैप्रिकॉर्न जे बारे में पुछना सी अमा का कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी 22 दिसंबर का 19 जनवरी के विच में जेके मानू पैदा थे ता उनके असा कैप्रिकॉर्न या बुर्ज जदी चवंदा आयु उन जो कारोबार जो कार्ड कढ़ हुंदा पहिरों कारोबार बिजनेस लव लाइफ जेको कुछ भी आहे ही दिसूं ता सुठो कार्ड आ बेहतरीन कार्ड आ एक मानू हलंदो आ वरी मानू जेको तेज हलंदो आ
वरी मानू जो को भजन दो आ वरी मानू जो को आ उनके पर लगी जंदा वो उदरन दो आ जबरदस्त ठीक आ कारोबार जे ल्यासा ही उदरन जो कार्ड आ ता जे घोड़े के पर लगलन घोड़ो मीन ता जी सवारी ता जो काम ता जी जॉब ता जो बिजनेस तमा इंशाल्लाह इन हफ्ते में फिलाए कंदो उदरन दो इलाई शयूं जेके आस्ते आस्ते हलन सा पूरी न थिंदियुन भजन सा पूरी न थिंदियुन वे उदरन सा पूरी थी वंदन ता जी स्पीड पेरन सा भी परन सा भी ताके डबल उदरानी इंदा इंशाल्लाह कैप्रिकॉर्न जी लव लाइफ कैप्रिकॉर्न ता जी लव लाइफ ही कार्ड जो नितो ही असल में रीयूनियन जो कार्ड आ रीयूनियन जो मकसद आ त हिकड़ी नाराज़गी हुई हिकड़ो रिश्तो टुटी पियो हुयो एक परेशानी थी वई हुई शयूं ख़राब थी वयूं हुयूं पर हींअर रीयूनियन थिए पई ऐं हिन रीयूनियन में उहो जेको मां तव्हांखे पहिरियों चयो हुयो माउ जो वॾो किरदारु आहे छोकिरे जी माउ किरदारु अदा करे रही आहे इन रीयूनियन में हीअ रीयूनियन जो कार्ड आहे नेगेटिविटी अगरि हुई त उहा ख़तमु करण जो कार्ड आहे ऐं शयुनि खे एक्सेप्ट करण जो कार्ड हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं असां हिक ॿिए खे एक्सेप्ट न आहिनि कंदा बिल्कुलु नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते एक्सेप्ट न आहिनि कंदा तव्हांजो पंहिंजो ख़ानदानी ईगो हूंदो आहे मुंहिंजो पंहिंजो ख़ानदानी हमारे यहां तो ऐसे नहीं होता वॉट इज़ दिस तव्हां वटि इश्यूज़ हूंदा आहिनि जेके रिश्ता ख़राब कंदा आहिनि तव्हां उन्हनि खे ख़तमु कयो हीउ एक्सेप्ट करण जो कार्ड आहे वरी उहो जहिड़ा थी वञनि ॻाल्हियूं ख़राब थी वञनि वरी इन खां बाद तव्हां मोटी अचो उन खां सुठो आहे त तव्हां पहिरियों कयो उन शयुनि खे एक्सेप्ट कयो हिक ॿिए खे एक्सेप्ट कयो हिक ॿिए जे कल्चर खे एक्सेप्ट कयो हिक ॿिए जे घरनि खे एक्सेप्ट कयो फैमिलीज़ खे एक्सेप्ट कयो भाउ तुंहिंजो भाउ फोन थो करे तुंहिंजी माउ फोन थो थी करे नो अच्छा हिक ॿिए जी ग़लतियुनि खे बि एक्सेप्ट करे उनखे अॻिते वधायो अच्छा बिल्कुलु इहो थिए थो असां ग़लतियूं बि एक्सेप्ट नथा कयूं त जेको आहे हिकु ॾाढी हिकिड़ी आम ॻाल्हि आहे त तव्हां मुंहिंजो फोन छो न अटेंड कयो उन ते जहिड़ो आहे न थियणु घुरिजे मुंहिंजा हिकिड़ा क्लाइंट आहिनि उन जेके पुराणा क्लाइंट आहिनि उन मुल्क खां ॿाहिरि आहिनि उतां कॉल आई उहो ख़बर पई की तुम्हारी नानी ने मेरी नानी को इहे बोला था अच्छा हाणे पाण नानी थी वियूं आहिनि पाण नानी थी वई आहे हा जहिड़ो उन ॻाल्हि ते लॻो पियो आहे अच्छा घरन में नंढा नंढा जेड़ा त हूंदा आहिनि जेके वॾा थी करे पुता में क्लैशेस पैदा कंदा आहिनि हा असल में छा आहे त उहे जेके जेड़ा आहिनि न उहो असल में उहो जहिड़ो बि न हूंदो उन सां कोई मसलो नथो थिए पापी नानी ने क्या बोला नहीं बोला असल जेकी शइ आहे उहा इहा आहे त असां उन में पंहिंजी सुपरमेसी ॾेखारींदा आहियूं त असां वॾा आहियूं तव्हां नंढा आहियो इन लाइ हिननि जी शयूं जेको हाईलाइट कंदा आहियूं जी साईं सर हाणे असां एक्वेरियस जे बारे में एक्वेरियस ते अची वियासीं बुर्ज दिलो 20 जनवरी खां 18 फेबरवरी असीं हिन ते ॻाल्हायूं पिया ऐं कारोबार कमु हीउ जेको कार्ड आहे हीउ डायरेक्शन जो कार्ड आहे मेडिटेशन जो कार्ड आहे मराकबे जो कार्ड आहे मेडिटेशन मराकबो तव्हां वेही करे सोचो तव्हां छा ग़लति कयो हुयो ऐं हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे तव्हां वटि कारोबार में कम में बिज़नेस में किथे न किथे तव्हां कुझु न कुझु नेगेटिविटीज़ हुयूं उन्हनि खे ख़तमु कयो ऐं नवां रस्ता पंहिंजे लाइ ॻोल्हियो इहो हुनजो कार्ड आहे Aquarius जी लव लाइफ दिस इज़ Aquarius लव लाइफ अगेन टियों दफ़ो अची वियो घोड़ो बगी त शयूं वरी बहितरु थींदियूं सुठियूं थींदियूं थको न हिमत न हारियो पंहिंजो सही ज़बरदस्त जी ऐं पाइसिस असांजो आख़िरी बुरूज पाइसिस पहिरियों तव्हांजे कम जो कारोबार जो बिज़नेस जो ॾिसूं पिया ऐं इन खां बाद तव्हांजी लव लाइफ ते ॾिसंदासीं पाइसिस कारोबार जे लिहाज़ से पाइसिस जेको आहे दुंबे ते वेठो आहे दुंबे जो मक़सदु आहे त तव्हां वटि तव्हांजी कैपेबिलिटीज़ तव्हांजी एक्सपर्टीज़ तव्हांजी एजुकेशन जे मुताबिक़ तव्हांखे जॉब कमु या बिज़नेस न पिया कयो दुंबे ते वेठो तव्हां पंहिंजी एक्सपर्टीज़ जे मुताबिक़ कम खे ॻोल्हियो जेको तव्हांखे कमु अचे थो उन ते जेको तवजो ॾियो त वधीक बहितरु थींदो ज़बरदस्ती पंहिंजी ज़िंदगी खे अॻिते न वधायो पाइसिस जी लव लाइफ बिस्मिल्लाह रहमान पाइसिस जी लव लाइफ जो बि सुठो कार्ड न आहे उहो चए थो त तव्हां जेको पंहिंजो चैप्टर अञा क्लोज़ नथा कयो अगेन चैप्टर क्लोज़ करण जी कोशिशि कयो पुराणो चैप्टर क्लोज़ कंदो त नवां रस्ता खुलंदा ऐं पुराणे चैप्टर में फाथल रहंदो त नवां रस्ता तव्हांजा न खुलंदा थैंक यू मच थैंक यू सो मच लियाकत जोगी साहब थैंक यू सो मच ॾाढी सुठियूं टिप्स बि मिलियूं ऐं असांजी क़िस्मत जो हाल बि ख़बर पियो नाज़रीन नंढे ब्रेक ते वेंदासीं कारे नवनि जो असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में सभी के जी वरी वेलकम चवाती आई इन गड गड असा अज जे स्पॉन्सर कर रहा है हबीब कुकिंग ऑयल ए हबीब बनस्पति इन खासियत ढी अड़ी जो हिंसर पान के रोके नी सी हलंदम तो जी हबीब कुकिंग ऑयल नेचुरल एडिबल ऑयल से ठहल है जो सोयाबीन कनोला ऑयल ए सनफ्लावर ऑयल से ठहल है ये ढो जरूरी है तुम ऑयल ढो सुो हो खाधे पीते में कड़ो ऑयल यूज किया यो ढो जरूरी है वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स से ठहल है जो दिल के लिए ढो मुफीद है उन गड गड जी हिन में हबीब कुकिंग ऑयल में वाइटमिन ए वाइटमिन डी ए वाइटमिन ई शामिल उन गड गड ओमेगा 3 and 6 भी जे अवं सेहत लाइ ढा सुा ए जो चवंदा तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो छो जो ये दिल जो मामलो है सो हबीब कुकिंग ऑयल यूज किया भी उ यूज कन्नी आया जबरदस्त कुकिंग ऑयल है इन गड गड बनस्पति भी हबीब बनस्पति है अस जो प्रीमियम क्वालिटी बनस्पति है जैसे चवन VTF वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री है जबरदस्त बनस्पति जैसे VTF हुए तो ही गाल थी और गड गड जी ये प्लैम ऑयल से सॉफ्ट ऑयल से ठहल है इन जो टेक्सचर जो दानेदार है दानेदार टेक्सचर वो ही अस बनस्पति खपन है असो सुठो लगन है खाधे में उन गड गड की खासियत यहाँ भी है तो डिजीज जी हूँ हीट सॉरी हार्ट डिजीज स्ट्रोक का बचाई छो जो यो काफ़ी लाइट है सो हबीब बनस्पति माँ भी यूज कन्नी आवं भी यूज कर छो जो बेधड़क जीण वाले हबीब बनस्पति हबीब कुकिंग ऑयल है सो हबीब कुकिंग ऑयल वाले काफ़ी थैंकफुल आया काफ़ी शुक्रगुजार आया उन्होंने असो प्रोग्राम मॉर्निंग एट PTV नेशनल में स्पॉन्सर किया है जी उन गड गड हाँ गेस्ट पैनल में असट जबरदस्त गेस्ट है जी मैं तो अस किस्मत से गड गड सेहत भी ढी जरूरी है शुरू में ही हो सो सेहत के अस डिस्कस कदी स्पेशली जैसे बारण की गाली है जैसे चाइल्ड अस स्पेशलिस्ट दींदा तो अस काफ़ी अड़ा सवाल अस जहन में जन्म वा अस उनका सो अज चाइल्ड स्पेशलिस्ट माशाल्लाह गड है अस उन तमाम सवाल पुछंदी अजकल कैंपेन भी हली रही है उन्हें बारे में भी अवेयरनेस जरूर वी सो वेलकम चवंदम डॉक्टर मशल खान चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक है सर बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है और जैसे आजकल टाइफॉइड की कैंपेन चली हुई है और उस बारे में हमें कुछ अवेयरनेस काफ़ी लोगों को नहीं है क्यों ज़रूरी है और ये क्यों हो रहा है इसके पीछे ये कैंपेन क्यों चली है इसके बारे में बताएंगे टाइफाइड कैंपेन अभी हुकूमत पाकिस्तान ने और हमने 13 मई से लेकर 25 मई तक शुरू की है कैंपेन का मतलब ये है कि ये जो टाइफाइड है जो बीमारी है बच्चों की उसके खिलाफ हम एक जिहाद करें और जिहाद किया है कि ये जो ख़तरनाक बीमारी है जो टाइफाइड उसके खिलाफ हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं नंबर 1 और दूसरा इस 13 से लेकर 25 मई तक बच्चों को वैक्सीन लगवा दें टाइफाइड के ख़िलाफ़ ये टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन है जो कि हुकूमत पाकिस्तान फ्री में लगाती है और ये 9 महीने की उम्र से लेकर 15 साल के हर बच्चे को लगाना चाहिए अच्छा सर एक मेरा यहाँ पे सवाल पहले तो बच्चों को टाइफाइड होता था बड़ों को भी टाइफाइड होता था हम लोग फिजिशियन के पास चले जाते थे और दवाएं ले लेते थे एंटीबायोटिक्स ले लेते थे ख़त्म हो जाता था तो अब ये कैंपेन और ये टीके लगवाना इसकी क्या वजह आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया कि टाइफाइड बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है अब पहले भी होता था और अभी कुछ ज़्यादा हो गया है पहले हम जो उसको दवाई देते थे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जैसे सेप्ट्रान क्लोरफिनिकॉल और एम्पिसिलिन उसको जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है जो जरासीम है उस पर काम करते थे और उसको किल करके बच्चे और एडल्ट सही हो जाते थे लेकिन बिकॉज ऑफ मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ये जो बार बार लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ना राइट प्लेस होता है ना राइट डोज होता है ना राइट ड्यूरेशन होती है तो ये जो जरसूमा है जो बैक्टीरिया है जरासीम है टाइफाइड का वो इन एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है अभी अगर डॉक्टर साहब दवा एंटीबायोटिक दे भी तो वो जो जरासीम है वो जो है ना मर्द तक किल नहीं होता और बीमारी पड़ती बॉडी में अंदर ही रहता है बॉडी के अंदर रहता है और रेजिस्टेंस डेवलप किया हुआ है इसी वजह से ये जो आम जो दवाई है फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो मैंने नाम लिया इसके अलावा फिर जो दूसरे क्विनोलोन ग्रुप्स हैं जो सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह थर्ड जनरेशन वो भी काम नहीं करता तो आजकल बहुत ही वबा की शक्ल है जिसको हम बोलते हैं XDR ट्यूबरकुलोसिस XDR का मतलब है एक्सटेंसिवली जो रेजिस्टेंट
जो ये जरासीम है, जो कि तकरीबन हर दवाई को ये जरासीम रेजिस्ट करता है। अगर हम ये दवाई देंगे फिर भी जरासीम नहीं मरता, सिर्फ एक दो दवाई मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर हम वो देंगे तो बच्चा वो जो टाइफाइड की जो बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन वो दवाई भी बहुत महंगी है। इसी वजह से, और अगर खुदा ना खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है, इसी वजह से हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कंपेन हमने शुरू किया है कि हमारे पास हुकूमत सिंध ने फ्री ये कंपेन लॉन्च की है, और 9 महीने से लेकर 15 महीने तक हर बच्चे को फ्री टाइफाइड का वैक्सीन लगाता है। अगर ये वैक्सीन आप लोग अपने बच्चों को लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चा आपका इस टाइफाइड की मुझी और ख़तरनाक बीमारी से महफूज रहेगा, आपको अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और आपका बच्चा ये जो टाइफाइड की जो पीछीदगी है कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा। अच्छा सर, टाइफाइड जब होता है तो क्या हमारी कौन से ऑर्गन्स पे ज़्यादा वो डैमेज करता है? टाइफाइड का जो जरासीम है जिसको साल्मोनेला बोलते हैं, ये ओरोफिकल रूट हम उसको बोलते हैं मेडिकल में, ये खुराक के रास्ते में जब ये जो पानी, जो फ्रूट, जो रोटी, जो हम दूध हम पीते हैं उसके जरिए पेट के अंदर चला जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फेफड़ों में, और इसमें इंटेस्टाइन में आंत्रियों में, वहाँ पल पुल के फिर वो उसके प्राइमरी बैक्टीरिया, सेकेंडरी बैक्टीरिया, और ये फिर साइंस सिम्टम अलामा ज़ाहिर हो जाते हैं। बच्चे को प्रोलॉन्ग हाई ग्रेड फीवर होता है, सर में दर्द होता है, बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को मोशन लग सकते हैं, और अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करेंगे, किसी अच्छे मॉलेज के पास या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो बच्चा खुदा न खास्ता मौत का शिकार भी हो सकता है, और बच्चे को कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। आपने कहा कौन कौन से आर्गन पे इफेक्ट हो सकता है, ये जरासीम दिमाग पे असर कर सकता है, जिसको हम एनसेफेलोपैथी कहते हैं, बच्चे को झटके लग सकते हैं, बच्चा बेहोश हो सकता है, और ज्यादातर यही देखा गया है। हाँ, इसके अलावा बच्चे के जो इंटेस्टाइन है, जो आंत्रियां हैं, उसमें भी परफोरेशन हो सकती है, बच्चे को पर रेक्टम पखाने के रास्ते खून आ सकता है। इसके अलावा बच्चे का जिगर भी असर कर सकता है, और बच्चे को ये अरकान की सूरत में हमारे पास आते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, उसकी खतरनाक पेचीदगियाँ होती हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एहतियात यही है कि आप जो है ना बच्चे को ये कैंपेन के दौरान ज़रूर टीका लगवाएं, 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों को, और टीके के साथ साथ हाइजीन का ख्याल रखें। अच्छा सर, ये कैंपेन जब तक हमारी जारी है उसके बाद भी हम लोग फ्री में ये टीके लगवा सकते हैं? ये तो हमारे जो EPI शेड्यूल है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इनोवेशन, जो हुकूमत पाकिस्तान चलाती है, हर शहर हर गाँव में हमारे सेंटर होते हैं, वो 9 महीने के जब बच्चा होता है ना, तो 9 महीने के बच्चे उम्र जब में जब बच्चे को वो टीका फ्री में लगाया जाता है, और भी मीजल के टीके लगाते हैं, MR लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये टीका हमने इस प्रोग्राम में, EPI प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है, और इस प्रोग्राम के अलावा भी हम बच्चों को ये टीका फ्री ऑफ कास्ट 9 महीने पर देते हैं। अच्छा सर, वैक्सीनेशन से ना जो है हम बड़ों को भी बड़ा फ़ायदा मिलता है, तो क्या टाइफाइड जैसे बड़ों को भी डैमेज कर जाती है? अगर किसी बड़े को टाइफाइड हो जाता है तो वो उसके भी दिमाग पे असर कर सकता है, उसके भी किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, तो ये बड़ों के लिए भी टीका मुफीद है? हाँ, ये टीका तो हम बड़ों में नहीं लगाते, जो TCV टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है, वो जो रिकमेंडेशन है वो 9 महीने से लेकर 15 साल तक हम देते हैं, लेकिन मार्केट में टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है, और हम बड़ों को भी लगा सकते हैं, और वो जो है ना उसकी वैक्सीन अगर आपने लगा दिया तो वो 2 साल तक काम करेगा, इसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर रिपीट करना पड़ेगा। ये जो वैक्सीन है ना उसकी एफिकेसी जो है ना कुछ ज़्यादा है, कुछ कहते 4-5 लाइफ लाइम तो नहीं है लाइफ लॉन्ग, लेकिन कुछ सालों तक उसकी एफिकेसी होती है इम्यूनिटी, इसी वजह से, और हो सकता है फिर इसी वजह से हम उसको हो सकते हैं दोबारा रिपीट भी कर लें, ताकि हम इस वबा से जान बचाएँ। वैक्सीन के साथ साथ मैंने हाइजीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जो अगर बड़े भी हैं अगर छोटे भी हैं वो अपने आप का हाइजीन का ख्याल रखें, ये जो पानी है वो उबाल के पिएं, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल होना चाहिए, बाथरूम अटेंड करने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। अच्छा, ये जो खाना माना खाते हैं, बच्चों की जो हाइजीन होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, उसमें जैसे माएँ फीडर ऐसे ही बॉयल भी नहीं करती और जस्ट वॉश करके, तो क्या फीडर्स को बॉयल करना और ये सारी चीज़ें फीडर करना तो खैर हम मानते नहीं हैं, ये तो लोगों ने ऐसा सोच हुआ कि हम तो माँ का दूध मानते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हर जब बच्चा पैदा हो जाए तो पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर जब माँ संभल हो जाए तो फिर बच्चे को 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चों के बर्तन वगैरह भी जो है, हाँ, बर्तन को साफ, वो भी बहुत, अगर बड़े बच्चे हैं तो बर्तन में जो अगर आप खाना देते हो साफ सुथरा होना चाहिए, वो जो खाना हम देते हैं वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, और जो दूध आप पिलाते हैं उसको प्रॉपरली कुक होना चाहिए। कहते हैं हम कच्चा दूध रात दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जो साल्मोनेला है जो जरासीम है वो रात दूध और जो दूध से बनी हुई चीज़ें में होता है, तो हम कहते हैं अगर आप दूध पिलाते हैं
या फ्रूट खिलाते हैं या खाना खिलाते हैं, प्रॉपरली कुक पक्का होना चाहिए और वो जो बर्तन है वो भी साफ होना चाहिए। अच्छा, और खिलाने से पहले बच्चे के हाथ धोने चाहिए। बाथरूम आदत हमें बच्चों में डालनी होगी कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हाथ धोने हैं, बर्तन साफ होने चाहिए, और जहां आप खाना खा रहे हैं और जो पानी पीते हैं पानी पी रहे हैं वो उबाल के पीना चाहिए। हर कोई जो है ना कंपनियों के पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर में जो भी पानी आता है उसको प्रॉपर तरीके से उबाल कर लें, उसको फिर ठंडा करके फ्रिज या किसी कूलर में रखें। हाइजीन रखना अपने बर्तनों को, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को, इससे बच सकते हैं या और भी कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं कि हम टाइफाइड से बच सकते हैं? बस इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर आप वैक्सीन लगवा दें, नंबर वन, जो हम अभी कैंपेन शुरू की है, और अगर कैंपेन के अलावा भी 9 महीने में चलता है, वायरस भी चलता है, और जब वो एक को हुआ फिर घर में दूसरे को हुआ, फिर नहीं, ये वायरस नहीं, ये बैक्टीरिया है। इसके लिए आपने प्रॉपर हाइजीन का ख्याल करना होगा, जो हमने रिपीट किया, जो पानी उबाल के पीना चाहिए, दूध उबाल के पीना चाहिए, खाना प्रॉपरली कुक होना चाहिए, बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, बच्चे के हाँ हैंड वॉश होना चाहिए खाने के पहले, और बाथरूम अटेंड करने से पहले हैंड वॉश होना चाहिए। वैक्सीन जो बार बार हम बोलते हैं वैक्सीन लगाना चाहिए, टाइफाइड का वैक्सीन, बाकी जो गर्मी, बाकी जो वायरस है, और बीमारियाँ हैं, वो नेचुरली अगर आप एहतियात करेंगे तो वायरस नहीं लगेगा, लेकिन ये ओरोफिकल, ये मुँह के रास्ते जरासीम जाता है। वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो वैक्सीन है हमारी टाइफाइड की, ये कहाँ कहाँ पे लग रही है, ताकि जो हमें देख रहे हैं वो इजीली वहाँ पे जा सकें और अपने बच्चों को। अभी कैंपेन में तो हमने तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट को ये हिट कर रहे हैं, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद के 1 डिस्ट्रिक्ट, और ये तकरीबन 249 यूसीज को हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 8.9 मिलियन तकरीबन 1.89 करोड़ बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं। हमारे टारगेट है तकरीबन 1 करोड़ बच्चों को हम ये वैक्सीन लगवा दें इसी कैंपेन में। उस कैंपेन के अलावा हमने जिक्र किया कि कैंपेन के अलावा भी आप 9 महीने के बच्चे में आप ज़रूर जाएं और बच्चे को अब टाइफाइड का वैक्सीन लगवा दें। तो ये कराची और हैदराबाद में हुकूमत सिंध की वजह से, बाकी एजेंसी की मदद से हम ये कैंपेन चला रहे हैं। हमारी EPI सेंटर हैं, हमारे स्कूल हैं, उनमें हमारे ग्रुप जो हमारे जो सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट है, उसको वहाँ पे लगा लेते हैं, और बाकी लोगों को हमने एक्टिवेट किया है कि जहाँ जहाँ पे फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवा दें। अच्छा सर, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम कांटेक्ट करके फिर ये हम मीडिया में हमने एक नंबर दी है 1166, शायद आप दोबारा चेक कर सकते हैं, उसके उसको आप चेक कर सकते हैं, और आप कोई भी वहाँ पे कांटेक्ट करके जा सकता है। लेकिन जहाँ भी कराची में जो लोग रहते हैं वो जो नज़दीक EPI सेंटर हैं, भी जा रही हैं टीम्स, ये टीम घरों में तो घर टू घर तो नहीं जा रही, जैसे हम पोलियो में जाते हैं, कोई मोहल्ला है, कोई सिटी सेंटर है, वहाँ पे हमने सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे तकरीबन 100 घर होंगे या 200 घर होंगे, वहाँ पे जिस तरह कम्युनिटी सेंटर हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, वहाँ पे लगा लेते हैं, घर टू घर में हम पोलियो में जाते हैं, इसमें हमने शुरू नहीं किया। ठीक है, ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच हमें इतनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अवेयरनेस देने के लिए। नाज़रीन, इन शइ खां असांखे बचण लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे त असां इन्हनि सेंटर्स ते वञूं, हॉस्पिटल्स वञूं, ऐं पंहिंजे ॿारनि खे इन्हनि टीका लॻरायूं। वैक्सीनेशन ॾाढी ज़रूरी आहे टाइफॉइड जी। नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, कारे न वञिजो, मॉर्निंग एंड PTV नेशनल में असां सां गॾु रहिजो। मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले ओ राणा, राणा मोर भली तो टिल्ले गुजरे जो, राणा राणा मोर भली तो टिल्ले गुजरे जो, मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले। Thank you.
चावल असासा गद आहे ई जबरदस्त असा के जेके असा सिंधी शादीन में जेके सेरा चवंदा आयो सो उन जो आगाज अगर ये रे केवट शादी हुंदी अज तो उन जो आगाज सेरन जो ता कराए छियो आहे सो थैंक यू सो मच हुमा कमल असा गद हिकड़ी भी गेस्ट मौजूद आहे हुमा कमल सा गद सहर अली जेका कराची जी मारूफ शायरा आहिन ऐं उन जा जी किताब भी उन्हनि लिखिया आहिनि ज़बरदस्त उन्हनि खां पुछंदासीं उन्हनि खां शेरो शायरी भी ॿुधंदासीं वेलकम चवंदमि अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक हैं शुक्र है ठीक हूं अच्छा जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि कुछ साहिब किताब हैं आप और कुछ किताबें आपने लिखी हैं तो उन किताबों के बारे में बताएँ कितनी किताबें लिखी हैं नज़में लिखी हैं गज़लें लिखी हैं जी मेरी दो किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं पहली किताब जो थी वो मेरी नज़मों और गज़लों पे मुश्तमिल थी फिर दूसरा मेरा एक नातिया मजमूआ है और तीसरी किताब मेरी अभी अशाद के मरहले में सही अच्छा कोई अभी हमें शेर सुना दें कोई गज़ल मीठे लहजे में दिल नशीं बातें मीठे लहजे में दिल नशीं बातें किससे सीखी हैं ये हंसी बातें घर के आंगन में एक गोशा था छुप के करते थे हम वहीं बातें और भी सुना चाहेंगे और भी सुनेंगे जो मोहब्बत का मान रखते हैं जो मोहब्बत का मान रखते हैं वो अलग अपनी शान रखते हैं बिल्कुल और लाओबाली सी एक लड़की का आप कितना ध्यान रखते हैं सही और भी सुनिए हाँ एक और हो जाए अच्छा गुल को खार कहते हो खार मान लेते हैं गुल को खार कहते हो खार मान लेते हैं जीत तो नहीं सकते हार मान लेते हैं और हाथ में तो होती हैं पांच उंगलियां लेकिन तुम अगर इन्हें कह दो चार मान लेते हैं और लोग हैं सहर कितने इस दयार के सादा मेरे एक तबस्सुम को प्यार मान लेते हैं वाह 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 अच्छा सहर साहिबा आप ये मतलब यही वाली शेर व शायरी करती हैं या फिर थोड़ी सीरियस भी करती हैं क्योंकि इसमें जो है थोड़ा आशिकाना भी था शायर तो आशिकाना भी करता है और समाज मतलब में मतलब आपके सारे ही वो जॉनरा हैं बिल्कुल ठीक है हम सब जो देख रहा होता है शायर अपने माहौल से उससे मुतासर होता है तो उसमें रोमांस भी होता है उसमें जो माशरे में नाइंसाफियाँ और ये हाँ, वो भी होता है सीरियस भी होता है ठीक है अच्छा आपके माशाल्लाह वालिद साहब भी जी जी मेरे वालिद साहब भी शायर हैं और मेरे वालिद साहब का शुमार असातज़ा कराम में होता है मेरे वालिद का नाम है काविश उमर अब तो वो हयात नहीं है लेकिन वो भी दो किताबों के जी उन्होंने लिखी थी तो ये इंटरेस्ट अपने वालिद साहब से ही आपने लिया या फिर आपके इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे लिटरेचर और शेर व शायरी में जाना है नहीं ऐसा नहीं है दरअसल मैंने मेरा ख्याल है कि ये मुझे विरसे में मिला और शुरू से मुझे था भी शौक़ हमारे घर का माहौल बहुत अदबी था किताबें शायरी ये सब हमारे रोज़मर्रा का मामूल था हमारे अच्छा, लिए आपकी रोज़मर्रा का मामूल होता है ना जब किताबें और ये सब अदब ये सारी चीज़ें माहौल होता है ना तो माहौल से आप वो चीज़ कैच कर लेते हैं मैंने बचपन से यही देखा तो शायद वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तो क्या बचपन से ही शेर व शायरी करती थी लिखती थी लिटरेचर का शौक़ था स्कूल में वो वाली बच्ची थी आप सबसे आगे लिखने वाली स्टोरीज लिखने का भी शौक़ है तो शेर व शायरी का भी शौक़ ऐसे ही है ऐसे ही और मतलब मैथ्स वगैरह का शौक नहीं था शहर को नहीं नहीं मैं हमेशा अदब से मेरा बहुत लगाव रहा और आगे चल के अच्छा स्कूल्स में ना टीचर्स भी बड़े खुश होते हैं ऐसे बच्चों से जी, जिनको लिटरेचर का बहुत शौक जी, होता जी, है वो सबसे आगे आगे होते हैं वही सबसे चाहे कोई असेंबली प्रेजेंटेशन हो फंक्शन हो प्रोग्राम्स हो ऐसे ही है अच्छा हुमा कमल भी ऐसे सा गद आए मौन का पुछंदम तहां के सिंगिंग जो शौक किए थियो ऐं किए इन फील्ड में अगते आयो सिंधी नहीं बोलती आप ठीक है उर्दू में बात करेंगे सिंधी लेकिन पता नहीं चला मुझे लगा कि आप
जो है सिंधी है तभी सिंधी में गाना गा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल सिंधी गाने तो गा लेते हैं लेकिन बोलनी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं आती। ठीक है, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई? ये मैं पढ़ती थी तो बस आपको पता है कि प्रोग्राम के लिए बुलाते रहते हैं स्कूल वाले, तो वो बस उसी से शौक आया कि भाई प्रोफेशनल, किसी ने आके मुझे कहा कि जो है आप प्रोफेशनल सीख लो, क्योंकि मैं गई थी ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जब पूरे सारे कराची में से सिलेक्शन होती है, दो दो की तीन तीन की हर स्कूल में से, तो उसमें सिलेक्शन हुई थी तो मेरे थर्ड पोजीशन आ गई थी। तो फिर वो मुझे दरअसल म्यूज़िक के साथ गाना भी मतलब कम ही आता था, ज़्यादा नहीं आता, तो जो है फिर उन्होंने मुझे कहा जो म्यूज़िक वाले थे कि आपकी तो वॉइस इतनी अच्छी है, आप क्यों इसको वो कर रही हैं, आप प्रोफेशनली सीखें और गाएँ। मतलब है मैंने क्लासिकल उमा कंवल ने प्रॉपर सीखा है, अच्छा महमूद अली खान से सीखा है, सही है, मैं वही पूछ रही थी। मतलब राग वगैरह सब कुछ। अभी भी सीखने का ये अमल जारी है या नहीं? नहीं अभी जारी नहीं है। ईस्टर्न सीखा है, वेस्टर्न सीखा है, लिखना सीखा है कि कैसे म्यूजिक आप लिखते हैं, कैसे सी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, वो उसके ऊपर जो कैसे लिखा जाएगा म्यूज़िक, ताकि अगर कहीं चले जाते हैं तो उनको समझाने में हम ऐसे लिख के बता सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस में क्या चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कि इंडोर परफॉर्म करना या फिर कहीं स्टेज वगैरह परफॉर्म करना? दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि कहीं अंदर अच्छा या बाहर अच्छा, तो ये तो फिर नहीं होगा, लेकिन ये है कि बाहर ज़्यादा होता है कि ऑडियंस आपके साथ है, वो साथ आपके खड़ी हुई होती है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है ऐसे आप उसके सामने परफॉर्म कर। अच्छा, माशाल्लाह आप यंग भी हैं और फिर काफ़ी प्रेशर भी होता है फैमिली का ना, कि भाई पढ़ भी लो। जब हम लोग ना इस फील्ड में आते हैं मीडिया रिलेटेड, जब हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ होता है तो हमारी फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है, पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बस गाना ही गाना है, गाना ही गाना है, ऐसा है ये कुछ? तो मैंने मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि कितना मैंने देखा है कि मतलब मेरे घर वाले म्यूजिक नहीं करो, ये करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, काम में लगी हुई हो। मैंने मतलब मैं कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। फिर मैंने मीडिया साइंस किया इंडस यूनिवर्सिटी से बैचलर, और जो है उसके लिए वो मैं लगी हुई आर्ट काउंसिल में जॉब पे, और वैसे म्यूजिक का अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, फिर जॉब क्या करती हैं सिंगिंग के अलावा? प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, और कौन सा मैं वेन्यूज देखना और सारा जितना मैनेजिंग का काम है वो सब देखते हैं। मतलब आप जो अर्निंग आ रही है वो सिंगिंग से आ रही है या जॉब से आ रही है? क्योंकि मैं काफ़ी लोग जो हमें देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम सिंगर बन जाएं या मीडिया फील्ड में चले जाएं, तो क्या अर्निंग है? अर्निंग तो बिल्कुल है, दोनों तरफ ही आ रही है, क्या कहें। मतलब जेब भारी है हम की। ऐसे ही है, देखिए आज के दौर में तो जितनी भी जेब भारी है वो खाली होती है। तो खर्चे कम करो ना भाई। महंगाई भी तो बहुत है। महंगाई भी तो बहुत है। अच्छा, शायर क्या मतलब ये सोच के शायर बनता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये सोच के बनता होगा कि मुझे बस पैसा कमाना है, फिर तो आपने बिजनेस करना है या फिर कोई जॉब करनी है। शायर क्या साइड पे होता नहीं, है शायर का मसला ये होता ही नहीं है कि उसे पैसा कमाना है। उसका पैसा उसका मसला है, लेकिन शायरी से नहीं कमा सकता वो। ऐसा भी नहीं कि नहीं कमाते, लेकिन कुछ लोग कमाते हैं जो जिनकी किस्मत साथ देती होगी, अक्सरियत नहीं कमा पाते। मतलब शौक की वजह से बस ये शौक का मोल है, बस ये शौक है आपको, आप लिटरेचर से वाबस्ता हैं, आपको इज्जत मिल रही है, आपको दाद मिल रही है, माशरे में आपका एक मुकाम है, और ये पैसे से नहीं हासिल होता। पैसा आपको इज्जत नहीं दिलवा सकता, इज्जत जो है वो आपका कोई काम, कोई महारत, आपका पैशन, आपका पैशन आपको देता है। अच्छा, आपका पैशन जो है ना वही आपको कहीं मकाम पे, किसी स्टेज पे लेके जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं शायर और अदीबों के लिए। हालांकि पैसे की ज़रूरत उन्हें भी होती है, फाइनेंशियल वो भी हर चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, लेकिन ये आपके आपकी जो राइटिंग है, आपकी शायरी, आपका अदब, फलसफा, अफसाना, ये आपको नहीं देता। मुझे शायरों को देख के थोड़ा होता है ये तजस्सुस कि इतनी सीरियस पर्सनैलिटी भी होती है समटाइम्स, बड़ी रोमांटिक भी होते हैं समटाइम्स बड़े, तो उनकी क्या पर्सनैलिटी शायरी कर करके ऐसी बन जाती है या फिर वो शुरू से ही ऐसे होते हैं? बस मेरा नहीं ख्याल है, वो भी आम लोगों जैसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है, सेंसिटिव होते हैं इससे ज़्यादा, उसमें कोई आप जैसे आप में वैसे मैं भी हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन सोच का फ़र्क ये कि सोच का फर्क होता है, हम ज़्यादा चीज़ों को बहुत हसासियत से देखते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा रफ देखते हो, ठीक है भाई। हाँ ये है बस, सही, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, सिंगिंग के अलावा अगर हुमा को कोई मौका मिला कि एक्टिंग कर लो हुमा,
तो हम करेंगे नहीं नहीं, ऐसा एक्टिंग का शौक तो आज तक आया नहीं। दरअसल मुझे बहुत सब ने बोला है कि आप एक्टिंग में आओ, मतलब कोई ड्रामे में आ जाओ या ये। मैंने बोला नहीं भाई, हम टीवी वाले आए तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं होती सही एक्टिंग नहीं होती तो नहीं होती। अच्छा, बचपन शहर का कैसा गुजरा? क्योंकि माशाल्लाह आपके वालिद साहब भी शायर, तो वो स्ट्रिक्टनेस थी या खुली छूट थी कि भाई शहर ने जो करना है करे? अभी फिर वही बात आ जाती है कि वो जब हमारे वालिद साहब शायर थे और शायरी से उनको इज्जत और शोहरत तो मिली, पैसा नहीं मिला, तो फिर वो शायर फिर अपने बच्चों के लिए सोचता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहां वो बहुत पैसा कमाएं, स्टेबल हो, स्टेबल हो। तो हमारे वालिद साहब तो हमेशा हमें मना करते थे कि नहीं, आप शायरी की तरफ नहीं आओ, आप पढ़ो, अपना एजुकेशन हासिल करो। लेकिन वो पैशन था ना, वो शहर को ले ही आया। वो नहीं लिया, बेसिकली पैशन में ले आया होगा, लेकिन आपके आपको वर्षे में मिल जाती है, वर्षे में मिल जाता कि आपके ब्रेड में एक चीज़ आ गई है, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके आपको ज़रूर आपके सामने आती है। तो बस ये वाली बात है। मेरे और भी बहन भाई हैं माशाल्लाह, हम तकरीबन 7 बहन भाई हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में है, किसी को शायरी से कोई इतनी वाबस्तगी नहीं है। मेरे पास है, बस ये फ़र्क है कि आप किसको मिला। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं बड़ी भी थी अपने घर में अपने वालिद से। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी बहुत ज़्यादा शफकत, मोहब्बत, अटैचमेंट हमारे मेरे साथ ज़्यादा रही, शायद ये वजह भी हो सकती है। अच्छा, अभी कोई शेर सुना दें हमें, थोड़ा माहौल चेंज कर दें। माहौल चेंज करूँ? उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। वाह। और ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है। और तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। ज़बरदस्त। और इतने बरहम हो किस लिए आखिर, इतने बरहम हो किस लिए आखिर, क्या मोहब्बत में कुछ कमी हुई है। ओहो हो हो। उसकी आँखों से दोस्ती हुई है, वाह वाह, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। कभी मोहब्बत की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, आपके किसी बच्चे से हो सकती है, माँ से हो सकती है। हम शायरी कर ही नहीं सकते मोहब्बत के बगैर। शायर जो है वो अगर ये कहता है कि हमने मोहब्बत नहीं की। अभी जो आपने शेर सुनाया ना, बड़ा ही कोई डीप था, ऐसे ही है, बिल्कुल गहराई थी उसमें। तो शायर की तो नस नस में मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत से ही सोचता है, मोहब्बत से ही लिखता है। अगर वो मोहब्बत ना करे तो वो शायरी भी नहीं कर सकता। वो रोमांस कहाँ से लाएगा शायरी में? जब वो अल्फाज कैसे बनाएगा, अल्फाजों को कैसे, ख्वाब कैसे देखेगा, वो कैसे लिखेगा? तो मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने ये जुमले जोड़े हैं जिस तरीके से, आँखें और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही थी, तो वो फिर उसी थॉट्स से आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। तो हर शायर मोहब्बत करता है, मोहब्बत तो सब लोग करते हैं, लेकिन शायद थोड़ा डीप में, थोड़े ज़्यादा हसास होकर रिलेशन बनाता है, दोस्तियाँ करता है, तो उसको फिर वो चीज़ें उसमें बहुत असरअंदाज भी होती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, शायर काफ़ी पेट्रियाटिक भी होते हैं, तो वतन पे कुछ लिखा है आपने? हमेशा लिखा वतन पे। नहीं, वतन पे मुझे याद, असल में मैं ना किताब लाई ना डायरी लाई, और अब ये देखिए हाथ पे लिखा हुआ। तो मैं आपको वैसे शेर सुना देती हूँ। फर्शे दिल हम भी राह कर देंगे, फर्शे दिल हम भी राह कर देंगे, तुम मोहब्बत भरी निगाह करो, और अच्छी आँखों का ये हुनर तो नहीं, अच्छी आँखों का ये हुनर तो नहीं, जिनको देखो उन्हें तबाह करो। ओह, और भी सुनना चाहती हैं? अच्छी आँखों का ये हुनर तो नहीं, जिनको देखो तबाह कर दो, जिनको देखो उन्हें तबाह करो। और लहजे में तमस्कुर है तो आँखों में चमक है। आहा, लहजे में तमस्कुर है तो आँखों में चमक है, ये तेरा दिलासा है कि जख्मों पे नमक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए कितनी सारी शायरी मुझे याद थी। हाँ, अच्छा ये सारे शेर माशाल्लाह आपको याद है सारे।
अच्छा मेमोरी भी बड़ी अच्छी होती है हमारी जो शायर होते हैं, चाहे इवन सिंगर भी होते हैं, क्योंकि वो जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम लोग जब शेर भी सुना रहे होते हैं तो मेमोरी अच्छी होनी चाहिए कहीं भी आप परफॉर्मेंस में अगर भूल जाते हैं तो फिर क्या है? अच्छा थैंक यू सो मच सहर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जबरदस्त शेर सुनाए, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे मदऊ किया, थैंक यू सो मच, मेरे लिए एजाज की बात है। हुमा कमल जी, जाते जाते हम आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले जी मैं माँ पे नाजरीन खामोक लाइंदम जबरदस्त प्रोग्राम अमार डिठो ऐं तवां जी दुआउन सां, तवां जी दुआउन जी तवसुत सां इहो जारी उसारी हूंदो, मां अव्हां सां गॾु ईअं हर सुबुह मिलंदमि ऐं अव्हां मूंसां मिलंदव। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हुमा कोई गाना हो जाए जबरदस्त जी, बिल्कुल जिमें हुंदी ढोलना हर ढोलना सुने दी तवीतड़ी, जिमें हुंदी ढोलना हर ढोलना सुने दी तवीतड़ी, रहंदी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया जे मैं होंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी, मैं हूँ